गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ममता गुड लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन रोल। चलिए देखते हैं कैसा बना है। अच्छा अच्छा से खा के बोलो। अच्छा बनाना है। ओके फ्रेंड, तो आप ये रेसिपी पूरा देखना और सब्सक्राइब करो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है, हमने कुछ वेजिटेबल ले लिया है, बीन्स, गाजर, प्याज एंड इसमें हमने आटा लगा के रखा है। आधा घंटा पहले हमने मैदा को लगा के रखा है, ठीक है। उसको अभी रोटी बनाएंगे। और यहाँ हम पकोड़ा तल ले रहे हैं। चिकन रोल बनाने के लिए पहले पकोड़ा तलना पड़ता है। इसका रेसिपी हम कभी और आपको दे देंगे। यहाँ पकोड़ा हो गया है और हल्का सा ब्राउन कर लेंगे तो मेरा पकोड़ा हो गया है। अब ये रेडी है पकोड़ा। आप कढ़ाई में तेल देंगे उस सब्जी को, उसका ग्रेवी बनाने के लिए पहले लहसुन डाल देंगे। चाइनीज़ डिशेज में लहसुन रहता ही है, इसीलिए लहसुन डालना ज़रूरी है। अब मिर्चा डाल देते हैं। जैसे आप लोगों को स्पाइसी खाना है थोड़ा ज़्यादा मिर्चा डालिए। हम लोग थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं तो हल्का मिर्चा डालते हैं। यहाँ ऑनियन डाल दिए हैं, इसको अच्छा थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। ब्राउन करने के बाद इसमें जितना सारा सब्जी हम लोग डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये हो गया है ब्राउन। अब हम लोग डाल देते हैं एक एक करके सब सब्जी। कैप्सिकम डाल दिए, हल्का सा चला देते हैं उसके बाद, और नेक्स्ट डाल देंगे डाल के इसको अच्छा चलाते रहेंगे। बीन्स डाल दिए, ठीक से चला लेते हैं। इसके बाद हम लोग गाजर डाल देते हैं, इसको भी अच्छी तरह से चला लेते हैं। चला के हल्का सा पकाएंगे। हल्का सा हम चला लेते हैं, हल्का सा 10 मिनट जैसा पका लेंगे हल्का सा। यहाँ रोटी हमने सब गोला करके रखा है और इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। और यहाँ सॉस डाल देते हैं, ये है टमाटर सॉस डाल दिए हैं। इसके बाद विनीगर और सोया सॉस भी डाल देंगे। 1-1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच सोया सॉस डाल के इसको अच्छा से थोड़ा सा, ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखेंगे, हल्का 2-5 मिनट के लिए हल्का पका लेंगे। तो ज़्यादा पका देने से इसका टेस्ट नहीं आता, हल्का सा क्रंची रहेगा, मुंह में लगेगा तब अच्छा लगेगा। ये रोटी हमने बना दिया है। अब सारा रोटी हम बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने चिकन पकौड़ा सब डाल दिया है, इसको अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन पकौड़ा डाल के इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। हमने बोलने भूल गए, यहाँ नमक भी हम डाल दिए हैं, हल्का सा नमक। आपको अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। अब ये लगभग हो गया है, इसको उतार लेंगे। यहाँ रोटी हम लोग सेक लेते हैं। रोटी को पूरा नहीं सेकना है, हल्का इस साइड सेकना, हल्का उस साइड सेकना है। और हमने कुछ रोटी बना के रख लिया है, आपको दिखाई नहीं है। सब रोटी मेरा बन गया है। हम यहाँ 6 एग रोल बना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। ये यहाँ हम 3 एग ले लिए हैं। और यहाँ हमने तावा बैठा दिया है। तावा में थोड़ा थोड़ा करके अंडा डाल देंगे और उसके ऊपर रोटी लगा देंगे तो अच्छा बनता है। हम ज़्यादा अंडा का नहीं बना रहे, आप चाहे तो एक अंडा का भी बना सकते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा अंडा का बना रहे हैं। ये हमने तेल लगा दिया है, रोटी को अच्छा से सेक लेंगे। सेकने के बाद पलटी कर देंगे। पलटी इधर हो गया है, उधर साइड नीचे साइड शायद हो गया है। अब उठा के आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड। तो आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। तो फ्रेंड आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये देखिए यहाँ हो गया है, इसको और एक साइड अच्छा से सेक लेते हैं। और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनता है। दोनों साइड हो चुका है, अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट, या हम तो ये बेलना में निकाल लिए हैं चक्की में। नीचे एक पेपर रख देंगे, उसमें सॉस लगा देंगे चारों तरफ से। आप लोग चिली सॉस खाते तो चिली सॉस डाल सकते हैं, पर हम चिली सॉस हम लोग नहीं खाते तो इसको हम लोग अवॉइड किए। मेरा छोटा बच्चा है तो चिली सॉस नहीं खा पाता है। हम ऐसे ही टोमेटो सॉस डाले हैं, उसको ऊपर से जो ग्रेवी हमने बनाया था वो डाला है, और उसका ऊपर प्याज डालेंगे।
और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। नींबू डालने से रेस्टोरेंट जैसा, ढाबा जैसा इस टाइप का फीलिंग आता है। बहुत टेस्टी बना है ये, देखिए बहुत ही टेस्टी लाजवाब बना है। और मेरा बेटा खा के दिखाई दिया आप लोगों को कैसा बना है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।